हेलो दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है दोस्तों, और गिरने की बहुत ज़्यादा संभावना अभी भी है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों जो दिग्गज बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े लोग हैं दोस्तों, वो बता रहे हैं कि लार्ज कैप में ऐसे 5 स्टॉक है जो आप खरीदो, कोरोना का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो कौन से ऐसे स्टॉक है दोस्तों, और मैं बोल रहा हूँ ये जो लार्ज कैप में आपको बताया जा रहा दोस्तों, ये बहुत बड़े बड़े और बहुत रेपुटेटेड कंपनी है। आपको कम से कम तो 40% डिस्काउंट पे स्टॉक मिल जा रहे हैं, मतलब कि दोस्तों आपको 40% डिस्काउंट का मतलब समझ रहे हो ना, अगर कहीं पर 10% छूट मिल जाता है तो हम तो भाई दौड़ जाते हैं। अगर किसी स्टॉक में 40% डिस्काउंट मिलता है तो सोचिए आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए हम एक से एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, जो जो अभी मैं आपको स्टॉक बताने वाला हूँ वो सारे टॉप पिक में आने वाले हैं। टॉप पिक मतलब कि वो दोस्तों बहुत बड़े बड़े और रेपुटेटेड अच्छे से अच्छे हैं, और गिरते हुए मार्केट में भी आपको संभाल के रखेंगे, गिरने का तो कोई दिक्कत ही नहीं रहता। यहाँ पर देख सकते हो टॉप पिक का कौन सा स्पीड चल रहा है भाई, ऐसा ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बताया जा रहा है ऊपर में दोस्तों, टॉप लार्ज मिड कैप स्टॉक, ठीक है, मिड कैप एंड लार्ज कैप दोनों है, ठीक है, लार्ज कैप। तो अभी हम लार्ज कैप के बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है मिड कैप के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। देखिए मिड कैप भी एक ऐसा है जो दोस्तों जब मार्केट रिकवर लेना स्टार्ट करेगा, ठीक है, रिकवर लेना स्टार्ट करेगा तो वहां पर आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखेगी, क्योंकि देखिए मिड कैप का स्टॉक बहुत ज्यादा गिर चुका है, और जब बढ़ते हैं मिड कैप वाले स्टॉक तो लार्ज कैप्स के से भी आगे चल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहां पर देख लेते हैं दोस्तों, टॉप लार्ज कैप एंड मिड कैप स्टॉक आइडिया टू हेल्प यू टू राइड थ्रू द कोरोना वायरस 2019 क्राइसिस, ठीक है। तो कौन से स्टॉक है, सबसे पहले हम पहला स्टॉक से अगर हम डिस्कस करते हैं तो दोस्तों लार्ज कैप में आता है HDFC बैंक। चलिए HDFC बैंक के बारे में तो सब लोगों को पता होगा, चलिए कोई बात नहीं। बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक हैं जिनके बारे में आप ध्यान में नहीं रख रहे हो, और आने वाले दिनों में कोरोना वायरस का इफेक्ट ना पड़ने की वजह से जब मार्केट दोस्तों बाउंस बैक लेना स्टार्ट करेगा तो वो स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। दोस्तों हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे लास्ट में आया था दोस्तों ये है डाबर, ठीक है, डाबर। डाबर दोस्तों इसके कंपनी के बारे में पहले आप थोड़ा सा जान लो क्या है और कितना कमाती है कंपनी और कितना जो है ये प्रोडक्ट सेल कर पाती है, ठीक है भाई। तो कंपनी के बारे में अगर हम सबसे पहले देखें डाबर का, तो यहाँ पर देख सकते हो डाबर इंडिया विथ ए टर्न ओवर ऑफ द मोर देन द 8500 करोड़, ठीक है, एंड द अर्निंग ऑफ मोर देन द 1500 करोड़, हैज ए स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड। और दोस्तों डाबर को इसलिए सेलेक्ट किया गया है कि डाबर एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जो बेसिक नीड्स में आती है। बेसिक नीड का मतलब अगर नहीं पता है तो आप इंटरनेट में सर्च मार सकते हो, ठीक है। तो ये स्टॉक दोस्तों आपको बेसिक नीड का मतलब आपको खरीदना तो जरूरी है, चाहे खरीदे को आपको ब्रश करना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद दोस्तों बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है जो यहां पर देखिए नाम दिया हुआ है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहां पर देखिए बताया जा रहा कि दोस्तों ये जो डाबर का है ये स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ब्रांड है, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ब्रांड। तो आपको इस स्टॉक पे अपना नज़र रखना है, ये आपको और भी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और इतना याद रखिएगा, देख सकते हो कंट्रीब्यूट अराउंड 45% ऑफ इट्स ओवरऑल सेल, ठीक है। एक बार मैं यहाँ लाइन को इट्स एक मिनट भाई ऊपर में था, ठीक है, 45% ऑफ इट्स ओवरऑल सेल, मतलब कि दोस्तों ये कहाँ पे आता है, ये आता है रूलर, ठीक है, मतलब रूलर एरिया में आता है। दोस्तों सोचिए जब डाबर जैसी कंपनी रूलर एरिया में अपना जो है बिजनेस को स्केल अप कर रहा है, तो दोस्तों अर्बन एरिया तो पहले से ही कवर्ड होगा, क्योंकि दोस्तों अर्बन एरिया में ही बहुत अच्छे अच्छे रेपुटेटेड लोग रहते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। तो ये था डाबर दोस्तों। डाबर के पास है दोस्तों एक भारतीय एयरटेल। अब आप खुद ही बताइए, ठीक है, मुझे पूछने का जरूरत नहीं, आप खुद से क्वेश्चन पूछिए, क्या कल को कोरोना वायरस की वजह से अगर कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, मान लीजिए कि लोगों को बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए परेशानी हो, चाहे परेशानी ना हो, तो क्या आपको लगता है कि एयरटेल को कोई मतलब कि एयरटेल को कोई नुकसान पहुंचा पाएगा? पूछिए क्यों, आप तो कॉल्स करोगे अगर आपको पता चलेगा कि वहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, चाहे जो भी है। अभी सरकार ने क्या किया दोस्तों, सब लोगों को बोला है जनता कर्फ्यू, पहले लगाया गया था प्यार से, अब लगाया गया है डंडे से, ठीक है। अगर नहीं मानोगे तो डंडे भी मारेंगे भाई, सीधी बात है, ठीक है। तो अगर आप घर में रहोगे तो क्या करोगे, इंटरनेट चलाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड से बात करोगे, क्या करोगे, गॉसिप ही करोगे, हम अपने फ्रेंड से चिटचैट करोगे, क्या करोगे, इंटरनेट का कंजप्शन बढ़ेगा और जो कॉल करोगे उसका भी कंजप्शन बढ़ेगा। तो किसको प्रॉफिट होगा, भारतीय एयरटेल। भले ही मार्केट गिर रहा है तो एयरटेल को गिरा दे भाई, मार्केट गिर रहा है गिरा देगा, ठीक है, मार्केट गिर रहा है तो गिरा देगा, दिक्कत की कोई बात नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है कि एयरटेल को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा? नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए मार्केट में उसको नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा लेना पड़ रहा है
जो कंपनी बंद है, लेकिन दोस्तों एयरटेल जैसे ब्रांड दोस्तों रेपुटेटेड स्ट्रांग रिलेटेड, मतलब समझ रहे हो ना, ये कंपनी बहुत अच्छी है और अभी के सिचुएशन से तो ये कंपनी में और भी आपको अगर खरीदना चाहते हो तो गिरते हुए मार्केट में और आपको स्ट्रांग प्रॉफिट देने का हिम्मत भी रखता है। और तीसरा कंपनी है भाई टाइटन। टाइटन एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने राकेश झुनझुनवाला को अरबपति बना दिया, राकेश झुनझुनवाला को अरबपति बना दिया। और ये स्टॉक चला गया था दोस्तों 1600 के आसपास और ये जो लोएस्ट मारा है दोस्तों ये स्टॉक 800 के आसपास मारा है, मतलब कि यहाँ पर 50% डिस्काउंट मिल रहा है। और कौन से स्टॉक है तो दोस्तों ये टाइटन वो स्टॉक है जो लोगों को अरबपति बना देता है। आप राकेश झुनझुनवाला के बारे में जानते हो तो आप समझ ही सकते हो, ठीक है। तो ये वो स्टॉक आपको 50% अगर डिस्काउंट पर मिल रहा है तो मेरे ख्याल से नहीं लगता कि आपको ऐसा मौका और ये अपॉर्चुनिटी आपको छोड़ना चाहिए। और टाइटन कंपनी को कोई मजाक में मत लेना भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, टाइटन कंपनी इज़ द मार्केट लीडर इन द इंडिया इंडियन ज्वेलरी मार्केट। यहाँ पर देख सकते हो भाई, टाइटन कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, मार्केट का लीडर है, इंडिया का मार्केट का लीडर है। अब देखिए अंबानी, अडानी, टाटा, ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ये तो बड़े बड़े लोग हैं, इनसे भी और बहुत बड़े, कुछ उनसे छोटे, कुछ उनसे छोटे, मतलब बड़े बड़े भी लोग हैं। सोचिए जब दोस्तों एक मिडिल क्लास का जो है व्यक्ति 1,00,000 रुपया खर्च कर सकता है दोस्तों, 1,00,000 रुपया खर्च कर सकता है किस लिए, बस ज्वेलरी बनवाने के लिए, मिडिल क्लास का, ठीक है। तो सोच सकते हैं बड़े से बड़े लोग। तो टाइटन वो कंपनी है, मैंने आपको झूठ नहीं बोला, ये अरबपति बना देता है भाई लोगों को। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करना सही नहीं होगा क्योंकि इतना तो इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब बैंक में देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा ऐसा बैंक है जो आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है और प्राइस भी आपको मतलब बहुत अच्छा मिला। कोटक बैंक दोस्तों, कोटक बैंक में भी लोगों को बहुत बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिया है। अगर आप इसका जो है अराउंड 14 ईयर्स का अगर देख लोगे रिटर्न, कितना 14 ईयर्स का अगर देख लोगे रिटर्न, तो बहुत बड़ा रिटर्न, मतलब बहुत अच्छा रिटर्न दिया अट्रैक्टिव के हिसाब से, ठीक है। तो ये कंपनी आपको भाई अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है। ये मेरे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा नहीं, ये दोस्तों टॉप पिक के हिसाब से बताया जा रहा है। देख लीजिए भाई, थोड़ा सा नीचे आ जा, तो ये आ रहा है टॉप पिक में, मतलब टॉप में है भाई ये सब कंपनी। आपको अराउंड 40, 30 या 50 तक इतना ज़्यादा परसेंट में आपको डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कि दोस्तों जिस स्टॉक का दाम था 1000 रुपीज़ वो आपको मिल रहा है दोस्तों 800, 700 में, ठीक है। तो लास्ट में दो ही स्टॉक बचते हैं दोस्तों, वो है पाला कोटक, ठीक है, कोटक बैंक। कोटक बैंक बहुत अच्छी बैंक है, उसके बाद HDFC के तो नाम से सभी लोग जानते हैं भाई, जिन्होंने HDFC बैंक हो चाहे कुछ भी हो, फाइनेंस हो, सबको अच्छा अच्छा रिटर्न दिया है। तो ऐसे ऐसे 5 स्टॉक हैं जिनके ऊपर आपको नज़र रखना है, क्योंकि जब मार्केट गिर जाएगा, गिरने के बाद जब रिकवर लेना स्टार्ट करेगा तो ये बॉटम आपको नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। ये बॉटम अगर आप नहीं पहचान पाओगे तो हो सकता है कि आपके हाथ से मौका निकल जाए। तो ये बॉटम आपको पता करना है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा ना हो कि जब मार्केट बॉटम बना दे, ठीक है, जब मार्केट बॉटम बना देगा तो आप ये सोचो कि भाई ये स्टॉक भी बढ़ते जा रहा है, वो स्टॉक भी प्रॉफिट दे रहा है, वो स्टॉक भी इंक्रीज हो रहा है, वो स्टॉक भी 10% का अपर सर्किट मार रहा है, कौन सा खरीदूं। तो सबसे पहले आप जो है प्री डिटरमाइंड रहिए, ठीक है। आपके पास अगर प्री डिटरमाइंड प्लान रहेगा तो आपको एग्जीक्यूशन करने में भी अच्छा से अच्छा रहेगा और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। इफिशेंटली आपको काम करना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था, जो इंटरनेट के हिसाब से दिया गया था दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, कौन से ऐसे मिड कैप के स्टॉक हैं जो आपको अच्छे से अच्छे रिटर्न दे सकते हैं।